हेलो नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज टाइम। तो हाल ही में एक बार फिर से मालदीव्स के अंदर काफ़ी सारे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट उठ खड़े हुए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है सब बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मालदीव्स इंडिया के कितने ज़्यादा करीब पड़ता है। मालदीव्स दरअसल काफ़ी सारे आइलैंड से मिलके बनी हुई एक कंट्री है। तो अब इसके अंदर फिर से वापस से क्यों उठ चुके हैं मालदीव्स के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन्स। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि ये कैंपेन्स ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल पहले स्टार्ट हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो कैंपेन्स स्टार्ट हैं वो हो चुके थे ऑलमोस्ट 10 साल इन कैंपेन्स को चलते हुए हो चुके हैं। 2013 में अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट आई थी और ये गवर्नमेंट पूरी तरह से चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी। सिंपल भाषा में बोलूँ तो प्रो चाइना गवर्नमेंट। एक तरह से ये बंदा जो मालदीव्स के अंदर अब्दुल्ला यामीन था, जो कि गवर्नमेंट में लीडर था, तो ये एक तरह से चाइना का पपिट था और इसका यही काम था कि किसी भी तरह इंडिया की जो इमेज है वो पूरी तरह से मालदीव्स के अंदर बेकार की जाए, उसको पूरी तरह से नेगेटिव दिखाया जाए कि इंडिया जो काम करता है नेगेटिव काम करता है मालदीव्स के अंदर। तो बात स्टार्ट होती है 2010 से, जब भारत गवर्नमेंट ने 2 ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर्स मालदीव गवर्नमेंट को गिफ्ट किए। और इसके पीछे का कारण था क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब इसी को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने 2 हेलीकॉप्टर्स उनको गिफ्ट किए ताकि मालदीव गवर्नमेंट को हेल्प मिले रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में और साथ ही वेदर सर्विलांस में। जिसके बाद अब यहाँ पर बात आती है अब्दुल्ला यामीन की। अब्दुल्ला यामीन ने इस चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि भारत का जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो लगातार मालदीव्स के अंदर बढ़ रहा है, जो कि मालदीव्स गवर्नमेंट और साथ ही मालदीव लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद एक तरह से देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री आउट के काफ़ी सारे जो लोग थे वो पोस्टर लेके बाहर आने लगे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो भारत का जो मिलिट्री प्रेजेंस था वो था मालदीव्स को जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराए गए थे भारत की तरफ से, उनको जो उनके मालदीव्स के जो पायलट थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए भारत के कुछ ऑफिसर्स या फिर कह सकते हैं कुछ पायलट्स एयरफोर्स की तरफ से गए थे। अब इतना सा सिर्फ मालदीव्स के अंदर भारत का मिलिट्री प्रेजेंटेशन था जिसको अब्दुल्ला यामीन ने काफ़ी नेगेटिव तौर पर दिखाया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग कह सकते थे कि जो चाइना की चाल थी वो एक तरह से मालदीव्स के अंदर कामयाब हो चुकी थी। लेकिन फिर 2018 में एक तरह से इंडिया को फिर से एक अच्छा चांस मिला, क्योंकि 2018 में न्यू गवर्नमेंट आ चुकी थी मालदीव्स के अंदर और वो थी इब्राहिम मोहम्मद की। इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद जो भारत और मालदीव्स के रिलेशंस थे वो वापस से पटरी पर लौटने लगे थे। देखा जाए तो ये इब्राहिम मोहम्मद एक तरह से एंटी चाइना और प्रो इंडिया थे। अब बात करें कि वापस से जो ये वापस एंटी इंडिया के जो प्रोटेस्ट है वो क्यों उठ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अब वापस से अब्दुल्ला यामीन अब फ्री हो चुके हैं जो इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इनके ऊपर जो है कुछ चार्जेस लगाए गए थे जिसके बाद ये जेल में गए थे। अब ये वापस से जेल से निकल के आ चुके हैं तो इनको वापस से चाइना की तरफ से कुछ फंड दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये वापस एंटी इंडिया प्रोटेस्ट उठा रहे हैं। यही कारण है कि आज फिर से मालदीव्स के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होने लगे हैं। आप लोगों को क्या मानना है इस बारे में अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसी तरह का कंटेंट आगे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।